हाय एवरीवन, नमस्ते। आई एम शेली एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टू कंप्लीट लुक्स विद आउटफिट एंड मेकअप। वन इज़ फॉर द डे टाइम एंड अदर इज़ फॉर द नाइट। ठीक है, तो जो भी मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, ये मंगवाए हैं अमेज़ॉन से, मेकअप के, स्किन केयर के, ज्वेलरी एंड कपड़े, सब कुछ जो भी मैंने मंगवाया है वो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है क्योंकि अमेज़ॉन पे चल रही है अप टू 70% ऑफ हर चीज़ पे। एंड अगर आप HDFC कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो आपको एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा। तो आज जो भी मैंने आउटफिट्स मंगवाए हैं, ये बहुत ब्यूटिफुल, लाइट वेट, बहुत अच्छे ब्रांड्स के हैं एंड बहुत ही सस्ते रेट पे मिल गए मुझे यार। मतलब 70% ऑफ में मुझे सारी चीज़ें रिसीव हुई हैं, इंडिया ब्रांड के, विशफुल बाय W एंड बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड से मैंने चीज़ें मंगवाई हैं। एंड वेडिंग एंड फेस्टिव अप्रोप्रिएट है, ब्लिंगी ब्लिंगी शिमर्स एंड सीक्वेंस वाली ड्रेसेस हैं और मेकअप भी लिया है, तो मैं आपके साथ ये सब शेयर करने वाली हूँ। तो हाँ, अगर आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड। ओके, तो जो हमारा पहला लुक है वो है डे टाइम के लिए, और डे टाइम फेस्टिवल्स में या वेयरिंग में आप इसको कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा कलर कॉम्बिनेशन है, दिस इज़ टर्कोइज ब्लू एंड पिंक का कलर कॉम्बिनेशन, परफेक्ट फॉर डे टाइम वेडिंग और फेस्टिव ओकेजन्स। ठीक है, तो इसके बाद मैंने लाइट पिंक मेकअप रखा है, पिंक बैंगल्स रखे हैं, लाइट ज्वेलरी पहनी है, जिसके सबकी लिंक, सारे ही प्रोडक्ट्स की जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ही लिंक मैंने दिया है, माय हॉल स्टोर करके, वहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट्स एक ही पेज पे दिख जाएंगे। वैसे तो मैंने सारे प्रोडक्ट्स के अलग अलग लिंक दिए हैं, लेकिन मैंने, अगर आप चाहते हैं कि आपको अलग अलग लिंक ना खोलना पड़े, आप सिर्फ माय हॉल स्टोर का एक लिंक खोलिए और आपको उसी पे सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। ठीक है, ओके, तो जो मेरा पहला आउटफिट है ना, ये है बाय द ब्रांड विशफुल बाय W। ये मैंने W के स्टोर पे देखा था, 7,000 रुपीज़ इसका प्राइस था। मैंने कहा यार 7,000 का तो मैं नहीं ले सकती, तो आज मैंने अमेज़ॉन पे देखा तो मुझे 3,100 रुपीज़ का ये मिल गया, विच इज़ लाइक सो अफोर्डेबल। और इस आउटफिट में ना मेरा दिल आ गया था जब मैंने ना इसको मैनिक्वीन पे पहने हुए देखा था, तो मैंने कहा ये तो मुझे लेना ही है, इतना ब्यूटिफुल। दिस इज़ अ लहंगा, क्रॉप टॉप एंड स्कर्ट आपको मिलता है, साथ में आपको मिलता है दुपट्टा। तो ये ऐसा है कि हर बॉडी टाइप पे, हर बॉडी शेप पे अच्छा लगने वाला। आप देख सकते हो मॉडल पे भी अच्छा लग रहा है जो कि इतनी स्लिम है, और मुझ पे भी अच्छा लग रहा है जो कि मैं चबी हूँ। तो मेकअप देख लेते हैं। मेकअप मैंने बहुत ही लाइट, क्योंकि डे टाइम के हिसाब से करना है तो मैं बहुत लाइट मेकअप करने वाली हूँ। तो प्राइमर के लिए मैंने लिया है लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर, और मेरे सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, माय ऑल्सो का लिंक खोल लीजिएगा और आपको सारे प्रोडक्ट्स वहीं दिख जाएंगे। तो इसको मैं अच्छे से ना अपने फेस पे लगा लूँगी, और हाँ, इसके पहले मैं अपना फेस अच्छे से मॉइस्चराइज कर चुकी हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी लैक्मे एब्सोल्यूट मूज फाउंडेशन, जो कि मेरा फेवरेट फाउंडेशन है। दिस इज़ सो लाइट वेट, और इसको मैं हाथों से ही लगाऊंगी एंड हाथों से ही ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि इतना लाइट वेट है ना, आपको इसको ब्लेंड करने के लिए कोई ब्रश या फिर कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है, हाथ से ही ब्लेंड हो जाएगा और इतनी नेचुरल फिनिश देता है ना, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने फाउंडेशन लगाया हुआ है स्किन पे। सो दिस इज़ परफेक्ट फॉर एवरीडे और डे टाइम के लिए या फिर लाइट ओकेजन्स के लिए, एकदम परफेक्ट है। थोड़ी सी अंडर आइज़ कंसील कर लेते हैं, मेबेलिन कंसीलर से थोड़ा सा ही लगाऊंगी जहाँ पे मुझे ज़रूरत है, एंड फिंगर से ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि जस्ट बहुत ही सिंपल सा 2-3 मिनट 5 मिनट में हो जाने वाला ईजी सा मेकअप है। तो बस फटाफट से कंसीलर्स को मैं फिंगर से ही ब्लेंड कर लूँगी, डैब 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 करके, रब नहीं करना वरना तो फिर वो अच्छी फिनिश नहीं आएगी। ओके, देन मैं मेरे पास पॉन्ड्स का पाउडर है, मैं उसको एज अ ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर लेती हूँ, और मैं जहाँ पे मेरा टी जोन है, जहाँ पे मेरे ऑयली जोन है, वहाँ पर मैं सेट कर लेती हूँ। अंडर आई डार्क सर्कल्स को भी सेट कर लेती हूँ, जहाँ मैंने कंसीलर लगाया थोड़ा सा फेस पे, जहाँ जहाँ मुझे लगता है ज़रूरत है वहाँ मैं पॉन्ड्स का जो पाउडर है उससे मैं सेट कर लेती हूँ एवरी डे के लिए। लाइक जब मुझे सिंपल मेकअप करना होता है तब मैं पॉन्ड्स का ही पाउडर यूज़ कर लेती हूँ एज अ ट्रांसलूसेंट पाउडर। ओके, देन मैंने ना एक पिंक कलर की लिपस्टिक ऐसे मेरे हाथ पे थोड़ी सी लगाई है, एंड देन मैं अपने लिप्स पे लगाऊंगी, डायरेक्ट नहीं लगा रही क्योंकि ये डे टाइम लुक है, मैं बहुत कुछ ज़्यादा बोल्ड नहीं चाहती।
बहुत सिंपल सटल चाहती हूँ, तो इसको मैं इसलिए हैंड से डैब 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 करके अप्लाई कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा नेचुरल लुक आए, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगे, लाइट लगे, अच्छा लगे। उसके बाद लगा लेंगे ब्लश। ब्लश तो भाई मुझे लगाना बड़ा ही पसंद है, गालों पे और थोड़ा सा नोज़ पे मुझे बड़ा पसंद है। अभी कर लेते हैं थोड़ा सा आई मेकअप। मैं क्योंकि मेरे आउटफिट में पिंक है तो मैं आईज़ भी पिंक करने वाली, क्योंकि मैंने जो मेरे लिप्स हैं वो भी मैंने पिंक किए हैं। तो ये वाली आई शेडो पैलेट यार मुझे 350 रुपये की मैंने मंगवाई है अमेजोन से, आप देख सकते हो इसमें आपको 4 पैलेट्स मिलती हैं, सारे कलर ऑप्शंस मिलते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं ना, आप ये वाली पैलेट ज़रूर ख़रीद लेना, बहुत अच्छी है, अच्छी पिगमेंटेशन है, तो आप इस पैलेट को ज़रूर ख़रीद सकते हो और इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं एक पिंक शेड लेके अपनी क्रीज़ पे और लिड्स पे अच्छे से लगा लूँगी, एंड देन एक शिमरी शेड लेके सेंटर में मैंने लगा लिया है, क्योंकि डे टाइम लुक है तो ज़्यादा कुछ हैवी नहीं कर रहे, बहुत ही लाइट एंड सिंपल कर रहे हैं। ठीक है, ओके अभी लगा लेंगे मस्कारा, एंड मैंने क्या बोलते हैं इसको, लेंसेज भी लगा लिए हैं। मैंने पहले लेंसेज नहीं लगाए थे, अभी मैंने लेंसेज लगा लिए और ये फ्रेश लुक के हैं। ठीक है, तो अभी मैं लगा रही हूँ मस्कारा जो कि है मेबिलीन का मस्कारा। तो हमारा मस्कारा लग गया है, अब फेस को फाइनल टच देंगे थोड़े से ग्लो, थोड़े से हाइलाइटर के साथ, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर। बस थोड़ा सा मैं ब्रश में ले लूँगी एंड बस लगा लूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा हाइलाइटर वगैरह पसंद नहीं आता एंड कॉन्टोरिंग तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो बस थोड़ा सा हाइलाइटर लेंगे वेट एंड वाइल्ड का, ये थोड़ा सा लगाओ और काफ़ी अच्छा ग्लो दे देता है। तो बस इसको हम लगा लेंगे फटाफट से, एक ब्रश में लेंगे एंड दैट्स इट, अप्लाई कर लेंगे इसको अपने चीक बोन्स पे, क्यूपिड बोज पे, नोज़ पे, जहाँ जहाँ भी आपको लगाना हो, मन करे जहाँ पे आप चाहते हैं थोड़ा सा ग्लो आए वहाँ आप लगा सकते हैं। ठीक है, देन तो इंडियन वेयर तो कम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है बिंदी के बिना। उसके बाद हम पहन लेंगे ज्वेलरी, जिसके लिए मैंने एक छोटा सा पेंडेंट सेट पहना है, स्लीक सा, एलिगेंट सा, जो कि है जूल्स गैलेक्सी का, पिंक कलर का है, पिंक एंड गोल्ड के कॉम्बिनेशन में, आई रियली लव इट। बालों को आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, मैं थोड़े से ऐसे आगे से रोल 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 करके पीछे की तरफ पिन लगा दूंगी दोनों तरफ से। सो दिस इज़ बेसिकली हाफ अप हाफ डाउन हेयर स्टाइल, इससे ना बाल आगे भी नहीं आते और अच्छे भी लगते हैं लाइक इंडियन वेयर के साथ। बाकी आप जैसा चाहें आप वैसा कर लें। ओके, देन हम पहन लेंगे बैंगल्स पिंक कलर की, पिंक एंड लाइट पिंक को, डार्क पिंक और लाइट पिंक को मैंने मिला लिया है, एंड ये है मेरा फिनिश लुक। आप देख सकते हो बड़ा ही डे टाइम अप्रोप्रिएट लुक है, डे टाइम के आप नाइट टाइम में पहन, जब भी आपका दिल करे आप तभी इसको पहन लो। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये आउटफिट बहुत लाइट वेट है। इसका जो फैब्रिक है ये है शिफॉन, इसकी स्लीव्स पे लगाया हुआ है, एंड देन बाकी ये पॉलिएस्टर है। अगर आप पॉलिएस्टर नहीं पसंद करते तो फिर आप मत लेना। ठीक है, इसके ऊपर ऑल ओवर प्रिंट है, फॉइल प्रिंट किया हुआ है, एंड बहुत सारे एम्बेलिशमेंट्स लगाए हुए हैं, बहुत सारी शिमर्स लगाई हुई हैं, एंड दुपट्टे में आप देख सकते हो आपको लटकन्स भी मिलती हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल लाइट वेट एकदम वेडिंग और फेस्टिव अप्रोप्रिएट आउटफिट, आई रियली लव इट। और 7000 का था इसलिए मैंने इसको लास्ट ईयर देखा था, मैंने लिया नहीं था, बट इस साल मुझे 3100 का मिला था तो लेना तो बनता ही है ना। और ये मैं आपको हाईली 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 रिकमेंड करती हूँ, इतना ब्यूटीफुल कलर है ना, लाइक मैंने इतना रिफ्रेशिंग और इतना ब्यूटीफुल लाइक टर्कोइस एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में इतना ब्यूटीफुल लहंगा बहुत टाइम बाद देखा था, आई रियली लव इट, एंड ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। तो यहाँ अभी मैं आपको दिखा देती हूँ क्लोजअप से एंड जूम करके सारे शॉट्स दिखा देती हूँ। इस लहंगे की फिटिंग आप देख लीजिए, तो हाँ अगर आपको अच्छा लगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ले सकते हैं। ठीक है, thank you.
ओके देन नेक्स्ट जो हमारा लुक होने वाला है ये नाइट टाइम वेयरिंग और फेस्टिव लुक, जिसके लिए मैंने गोल्डन कलर का ब्लाउज एंड साथ में स्कर्ट पहनी है वाइन कलर में, ठीक है। तो मैंने इस लुक को गोल्डन एंड वाइन रेड के कॉम्बिनेशन में स्टाइल किया है क्योंकि नाइट टाइम है तो थोड़ा सा बोल्ड कलर होना चाहिए। डे टाइम में मैंने पूरा पिंक रखा था बट रात का टाइम है, रात के लिए लुक है ये, तो थोड़ा सा मैंने आइस को तो बिल्कुल ही सिंपल से मस्कारा है बट लिप्स में मैंने बोल्ड लिपस्टिक लगाई है जो कि मैच करती है मेरी स्कर्ट से। तो हाँ, ये लुक भी मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा है। ये जो ब्लाउज़ है ये मैंने W से ख़रीदा था एंड जो स्कर्ट है ये इंडिया ब्रांड की है, तो आई रियली लव द लुक, मुझे बहुत खूबसूरत लगा है। मैंने कुछ दिन पहले इसको एक वेडिंग फंक्शन में पहना था एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि स्कर्ट कहाँ से लिए, तो ये स्कर्ट इंडिया ब्रांड की है एंड इसमें दो कलर ऑप्शन है, एक है मॉव न्यूडी ब्राउनी कलर एंड देन दिस इज़ द वन वाइन रेडिश कलर, ठीक है। तो लिपस्टिक इससे पहले आप पूछें कि मैंने कौन सी लगाई है, मैंने ये वाली लिपस्टिक लगाई है तो ये वाली लिपस्टिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़ी महंगी है ये लिपस्टिक बट बहुत खूबसूरत लिपस्टिक है। देन मैं पहन लूँगी मेरा चूड़ा क्योंकि ये मेरी स्कर्ट के साथ बहुत खूबसूरती से मैच कर रहा था। उसके बाद एक बिंदी तो बनती है भाई, इंडियन लुक कम्प्लीट नहीं होता जब तक आप बिंदी नहीं लगाओ तो गोल्डन कलर की बिंदी लगा लेते हैं। हाँ, बहुत सिंपल अच्छा लग रहा है ना, एक डीप कलर की लिपस्टिक होगी, गोल्डन बिंदी हो गई, चूड़ा पहन लिया है स्कर्ट के साथ मैचिंग का, देन ईयरिंग्स पहन लेंगे, झुमकी है मेरे पास ये जो मुझे किसी कंपनी ने ही सेंड की थी। उसके बाद मैंने अपने लुक को फिनिशिंग टच दिया है गोल्डन लीफ हेयर बैंड के साथ जो कि मैंने क्लब फैक्ट्री से मंगाया था आज से 2 साल पहले तो ये हो गया है हमारा मेकअप कंप्लीट सिंपल। तो ये है मेरा कंप्लीट आउटफिट लुक। मेरा जो ब्लाउज़ है वो सीक्विन वाला है जो मैंने W ब्रांड से लिया था जो कि फ़िलहाल के लिए आउट ऑफ स्टॉक है, बट इससे सिमिलर ब्लाउजेस की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप डेफिनेटली ख़रीद सकते हैं, ठीक है। एंड देन है ये स्कर्ट जो कि है इंडिया ब्रांड की जिसमें 2 कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो इस स्कर्ट की ना मुझे अच्छी बात ये लगी है कि इस स्कर्ट के अंदर आपको लाइट कैनकेन भी मिल जाती है तो जो इसको थोड़ा सा ना फ्लेयर दे देती है, तो आपको अलग से कैनकेन पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है क्लोजअप मेरे ब्लाउज़ का। तो ओवरऑल लुक गोल्डन एंड वाइन मुझे बहुत खूबसूरत लगा है और नाइट टाइम अप्रोप्रिएट है। तो यार इतने ही स्कर्ट भी इसका जो ओरिजिनल प्राइस है स्कर्ट का आई थिंक इट्स 3000 रुपीज़ बट अभी आपको ये 1100 रुपीज़ की मिल रही है, तो बहुत ही स्टील डील है यार, 70% ऑफ में आपको मिल रही है तो मुझे लगता है लेना ही चाहिए तो ये मेरी स्कर्ट काफ़ी ब्यूटीफुल फ्लेरी फ्रिल्स वाली स्कर्ट है, इसको पहन के ना डांस करने का मन करता है, बहुत फ्लेरी है, बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल है। एंड इसके अंदर मैं भी आपको दिखाऊंगी, लेयरिंग दिखाऊंगी, इसके अंदर कैनकेन की लेयरिंग भी है तो आपको अलग से कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, पहनने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा फ्लेयर के लिए, इट्स इनफ। तो ये है हमारी बहुत ही खूबसूरत सी स्कर्ट जिसके ऊपर शिमर 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 बहुत सारा शिमर है जो कि इसको पार्टी अप्रोप्रिएट बनाता है। तो मैं आपको लेयरिंग दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो अंदर आपको कैनकेन की वाइट वाइट वाली नेट दिख रही है, अंदर 3-4 तरह की लेयरिंग है तो जो इसको थोड़ा ना अच्छा खासा एक फ्लेयर दे देती है जितना एक नॉर्मली चाहिए होता है। पर फिर भी अगर आप ज़्यादा फ्लेयर चाहते हैं तो आप कैनकेन स्कर्ट पहन सकते हैं, अगर सिंपल सा पहनना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी विदाउट कैनकेन स्कर्ट भी पहन सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कैसे लेग में घूम रही हूँ, तो ये स्कर्ट कितनी ब्यूटीफुल कितनी खूबसूरत लग रही है, तो इसको पहन के तो ना बिल्कुल डांस करने का दिल करता है ओके, तो ये है हमारा कंप्लीट लुक जो कि मुझे लगता है कि नाइट टाइम के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है। तो जो भी मैंने प्रोडक्ट्स आपको दिखाए हैं ये सारे ही बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत अच्छे ब्रांड्स के हैं, 70% सेल लगी हुई है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया है वीडियो को लाइक भी कर देना, मेरे लिए अच्छा सा कॉमेंट भी लिख देना एंड मैं मिलती हूँ आप सभी नई वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन यू टेक केयर, बाय।
हूँ।